वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास वन, चैप्टर नंबर 9। टुडे वी विल रीड अबाउट यूजफुल एनिमल। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, यू ऑल विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स एज सोर्स ऑफ फूड एंड हेल्थ। हाउ एनिमल्स आर सोर्स ऑफ फूड एंड हाउ एनिमल्स हेल्प अस इन डिफरेंट वेज। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई डोमेस्टिक एनिमल्स एंड यू विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। और इसमें यू विल रीड विच डोमेस्टिक एनिमल्स आर केप्ट इन द हाउस एंड विच एनिमल्स आर केप्ट इन द बार्न। लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। एनिमल्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स कैन बी हार्मफुल। दे लिव इन वाइल्ड, दे आर नॉट केप्ट एट होम। लाइन, स्नेक, एलिगेटर, जैकल, एलिफेंट, टाइगर, दीज एनिमल्स आर वाइल्ड एनिमल्स। ये एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो कि घर में नहीं रह सकते। ये आपने बच्चों कहाँ देखे होंगे, या तो आपने ज़ू में देखे हैं, ये या तो जंगल में रहते हैं या ज़ू में रहते हैं। ज़ू में आप में ऑलमोस्ट आप में से सभी गए होंगे तकरीबन ज़ू। ज़ू में आपने इन सब जानवरों को देखा होगा, आपने एलिफेंट को देखा होगा, टाइगर, एलिगेटर भी आपने, लाइन, ये सब एनिमल्स हैं। ये आपके लिए नुकसानदेह तो होते हैं। जैसे लाइन है, ये बाहर आपको हर जगह नज़र नहीं आएगा, ये आपको पिंजरे में नज़र आएगा, केज में होता है। इसी तरह आप नेक्स्ट पेज पे है डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स आर यूजफुल एनिमल्स। ये वो एनिमल्स हैं जिनसे हम फ़ायदा लेते हैं। दे आर आ सोर्स ऑफ फूड एंड हेल्थ। ये हमें खुराक देते हैं, हम इनसे, यानी कि देखें काओ है, इससे हम दूध हासिल करते हैं और इसका गोश्त भी खाते हैं। कैमल, शीप, हॉर्स, डक, हैन, गीज, ये सब हमारी हेल्प भी करते हैं और इसी तरह ये हमें फूड भी प्रोवाइड करते हैं। ऑन द नेक्स्ट पेज ये हम डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़े हैं। सम डोमेस्टिक एनिमल्स आर केप्ट इन द हाउस, कुछ घर में रखे जा सकते हैं, लेकिन सम डोमेस्टिक एनिमल्स आर केप्ट इन द बार्न, जो कि सिर्फ बार्न में होते हैं। जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स आर केप्ट इन द बार्न आर कॉल्ड बार्न एनिमल्स। जो बार्न में रखे जाते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, उन्हें बार्न एनिमल्स कहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स में क्या है, गोट है आप घर में रख सकते हैं, गीज, हैन, डक, ये छोटे जानवर हैं, स्मॉल जानवर हैं, ये आप पेट एनिमल्स भी कहते हैं इन्हें, ये आप घर में पाल सकते हैं। बार्न एनिमल्स कैमल, हॉर्स, काउ, आप ये घर में नहीं रख सकते, इसके लिए आपको फार्म हाउस की या किसी बार्न की, यानी कि कोई शेल्टर टाइप चीज़ बनी हो उसमें रखने के लिए आपको ये रखने पड़ते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स में गोट है, इससे वी गेट मीट। Cow, we get milk and meat. Hen, we get eggs and meat. Duck से हम मीट हासिल करते हैं। Camel, meat and help, यानी कि camel का हम गोश्त भी खाते हैं और ये हमारी help भी करता है। Horse, help, आपने देखा है हॉर्स हमारी हेल्प कैसे करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। पुराने वक्त में ये घुड़सवारी के तौर पर इस्तेमाल होते थे, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प ली जाती थी। अभी भी बहुत से अंदरून लाहौर में आप देखें, अभी भी घोड़े वगैरह चलते हैं, आमदोरफ्त का ज़रिया है, लेकिन बहुत कम है, अब ये सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं रहा। गीस, इससे आप मीट हासिल करते हैं। ऑन द नेक्स्ट पेज ग्लॉसरी आइटम्स हैं आपके लिए। ग्लॉसरी है वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, हार्मफुल, यूजफुल, फूड सोर्स, बार्न। यू विल राइट दिस ऑन ऑल दीज वर्ड्स, यू विल राइट ऑन द कॉपीज एंड यू विल लर्न ऑल दीज वर्ड्स एंड आफ्टर दिस एक्सरसाइज। फॉर द एक्सरसाइज वर्क यू विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ वर्कशीट्स एंड यू विल राइट ऑल दीज वर्क ऑन योर कॉपीज नीट एंड क्लीन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अस्सलाम वालेकुम।